imagina. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गरेना फ्री फायर। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग फिर से स्वागत है गरेना फ्री फायर गेम में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो न्यू वाला जो इवेंट आया, जो कि बहुतों को समझ में नहीं आया है, और एक नया इवेंट आ चुका है। तो गाइज, मैं उस पर बात करने वाला हूँ। और गाइज, हम आपको बताते हैं, कल जो है, कल ये तो आपको पता चल ही गया होगा फ्रेंड्स। आप लोग को नहीं पता चला तो जो लोग नहीं देखे अब भी जान लो फ्रेंड्स, आप लोगों को 27 तारीख जो दिवाली का दिन है, आपको 1 बजे से 3 बजे के बीच 15 मिनट खेलना है, जिसमें आपको फ्री में मैजिक क्यूब मिल जाएगा, जो कि मैं आपको 1002% आपको चांस में बोल रहा हूँ आपको मिल जाएगा। तो गाइज, यहाँ पे दिवाली स्पिन जो आया है एक न्यू इवेंट में, उसके बारे में बताऊँगा। तो उससे पहले फ्रेंड्स, ये मैच एंड विन जो कि अभी बहुत फ्रेंड्स समझ में नहीं आया है, जिसको हम बताते हैं फिर से। तो गाइज, यहाँ पे देख लो, इसमें आपको कार्ड जो है ना स्क्रॉल करना होगा, और इसमें फ्रेंड्स प्राइज है। जैसे देखो, हम यहाँ कार्ड एक स्क्रॉल करके दिखाते हैं, जैसे चौथा नंबर में निकिता लिखा। तो गाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट या इसका वीडियो बना लो, या इसका मतलब कॉपी में जो है ना इसे खटाल बनाकर आप जो है इसका लिख लो, इतना नंबर में निकिता आया था और इतना नंबर में मोको आया था। तो गाइज, जो नंबर में निकिता आया, तो ऐसा नहीं कि कार्ड आपका वो नंबर चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, जो नंबर में निकिता आया लिख लो, 4 नंबर में निकिता आया, जैसे मेरा लास्ट का 2 नंबर मौका आया तो मौको लिख लो। तो गाइज, अगर ऐसे आप लिख लोगे तो अगर फिर नेक्स्ट के दिन अगर आप करोगे तो आपको पता होगा कि कौन सा कार्ड कौन से वाले बॉक्स में आया था, मतलब कौन से स्क्रॉल करने पे आया था। तो गाइज, आप फिर से उसे दोबारा स्क्रॉल नहीं करोगे। और गाइज, यहाँ पे जो है हमको, मेरे पास इसमें जितना ही स्क्रॉल वाला है, हमको इसमें सब करेक्टर और सब कुछ है। हमको गाइज इसमें लेवल 8 और लौड़ा से करेक्टर और रफेला करेक्टर, बस यही 3 चीज़ चाहिए। तो गाइज, हम तो ये पूरा तरह से इसको जान लिए और कैसे यूज करना ये भी जान लिया। तो गाइज, हम जो इसका यूज हमको कल, मेरे ख्याल से कल हमको ये मिल जाएगा। तो गाइज, ये स्पेशल फॉर में आप सभी लोगों के लिए ये मैं वीडियो बनाया कि कम से कम आप लोग को समझ में आ जाए, और फ्री में करेक्टर मिल रहा है, वो भी लेवल 8 का कार्ड भी मिल रहा है फ्री में। और अगर आप लोग फ्रेंड्स इतना छोटा सा अगर दिमाग माइंड नहीं लगाओगे तो गाइज, ये आप लोग के हाथों से छूट जाएगा। तो जो लोग गरेना फ्री फायर गेम खेलते हैं फ्रेंड्स, वो लोग जो है ये वाला मौका मत छोड़ो। ये रफेल का करेक्टर और फिर लौड़ा से करेक्टर तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। देखो, यहाँ जैसे हम 3rd नंबर लौड़ा से कर निकाले हैं, तो कल हम इसको 2 कार्ड, मतलब ये ऐसा है जिसमें कि आपको 2 कार्ड जो है एक बार में आएगा, तो वो आपका फाइनली वो आपके पास ही हो जाएगा। तो गाइज, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ऑफर आया, तो गाइज अगर आप लोग का मन है तो ले लेना। और गाइज, आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ प्राइज है, यही सब प्राइज मिलने वाला है। तो मेरे पास इसमें सब कुछ है, सिर्फ लौराज और ये लेवल 8 कार्ड और रफेल। तो ये मैं, और मेरे पास अब भी मेरे पास जो है मतलब और 5 दिन बचा हुआ है, 4 या 5 दिन जितना बचा हुआ है। तो एक दिन में 10 किल, 1 किल पे 1 फ्लिप मिलता है, तो वो तो हम आपको बता दिए। 10 किल तो एक दिन में कम से कम आपको 10 किल करना, तो क्लासिक या रैंकेड मैच में तो आपको 10 फ्लिप मिल जाएगा। तो गाइज, उसी से आपको स्क्रॉल करना। तो गाइज, हम जैसे हम अपना करेक्टर में दिखा, यहाँ पे मेरे पास 124 का करेक्टर, बुकोंग का करेक्टर, हयाटो करेक्टर, फिर जोसेफ करेक्टर, मेरे पास सब टाइप है, जितना भी करेक्टर इसमें है सब करेक्टर है। सिर्फ इसमें अभी सानी और रफेल और लौराज और ये एंटोनियो मी साथ हमको गोल्ड से ही मिल जाएगा, बट ये सानी और रफेल लौराज, ये हमको रफेल लौराज भी ये ले ही लेंगे, ये तो कन्फर्म है। रफेल और लौराज भी हमको जो है मिल ही जाएगा कन्फर्म है, बट ये सानी जो है, सानी भी बाद में आएगा ऑफर, कभी ना कभी आएगा ऑफर, तो सानी भी बाद में लेंगे। तो गाइज, अपने मतलब डायमंड को यार सेव करके जो है मतलब सही तरीका से लेना है। तो गाइज, और यहाँ पे एक जो न्यू मतलब आया है ऑफर में, उसको फ्रेंड्स आज मैं स्पिन करके दिखाऊंगा। मेरे पास अभी जो है कितना, 329 डायमंड बचा होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो ऑफर आया न्यू ऑफर, जिसका नाम है दिवाली स्पिन न्यू ऑफर। तो गाइज, इसमें जो आप जो है आप 9999 उतना डायमंड आप जीत सकते हो। तो गाइज, मैं आपको एक बार ही रिकमेंड करूंगा, अगर आप स्पिन करते हो तो गाइज, इसमें एक बार में आप 90 का स्पिन करना, और उससे ज़्यादा जो अगर आपका मन हो करना, लेकिन फ्रेंड्स हम आपको रिकमेंड करेंगे एक बार ही 90 का स्पिन करना हो सके तो। जैसे कि मेरे भाग में हमको एक वो बंडल मिला है, तो गाइज हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे कि कौन सा हमको बंडल मिला है। तो गाइज, आप लोग देखो बंडल। तो गाइज, यहाँ पे हम आपको बताते हैं, इसमें आपको जो टोटल 1000 डायमंड का स्पिन करना होगा। तो मतलब आपको टोटल जो है 100 बार आपको स्पिन करना है। अगर आप 100 बार स्पिन करते हो तो आपको वो FFC जो एक न्यू इमोट है, जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हो, मैं आपको दिखा दिया, ये देखो ये इमेज। तो गाइज, ये FFC जो
इमोट ये आपको जो है परमानेंटली ये इमोट मिल जाएगा। तो गैज यही न्यू ऑफर है, तो गैज हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम कितना स्पिन करेंगे और क्या करेंगे गैज आपको पता चल जाएगा। तो गैज यहाँ पे वीडियो देखो फ्रेंड्स, एंड जैसे हमने 90 का स्पिन कर दिया, यहाँ कंफर्म कर दिए। गैज ये थोड़ा सा स्लो ले रहा है क्योंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा था, तो इसीलिए इसमें थोड़ा स्लो चल रहा है। तो आपको हम दिखाते हैं, जैसे कंफर्म कर दिए, यहाँ लिखा हुआ रिवार्ड विल बी सेंड डायरेक्टली टू योर इन्वेंट्री, मतलब वोल्ट में मेरा जो है रिवार्ड जो हम स्पिन किए वो मेरा डायरेक्ट वोल्ट में आ चुका है। तो गैज हम जाते हैं अपने इसको बैक करते हैं, और बैक करेंगे अपने वोल्ट में जाते हैं हमको मिला क्या है। तो गैज चलो हम देखते हैं, इसको कट करते हैं यहाँ से। तो इसमें अभी कुछ दिखाई नहीं देगा, जो तो कट नहीं करेंगे नहीं होगा। तो यहाँ से गैज कट कर दिए, एंड कट करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे आते हैं वोल्ट में। तो गैज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम वोल्ट में आ गए। तो गैज यहाँ पे हम अपने वोल्ट में आए, तो वोल्ट को ओपन करते और देखते हैं क्या मिलता है गैज जी। तो यहाँ पे देखो वोल्ट ओपन हो चुका है, एंड यहाँ पे हम यही वाला यूज कर रहे थे ट्रिक, यही करेक्टर का। ओ गैज यहाँ पे देखो हमको स्केटर गर्ल बंडल, यार हमको स्केटर बॉय बंडल मिल जाता है, हमको मज़ा आ जाता है। गैज बॉय बंडल का रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये भी बंडल मिला बहुत मिल गया। तो चलो यार ये इस बंडल का भी यार बहुत ही ज़्यादा प्राइस था, एंड बहुत ही बढ़िया ये बंडल है गर्ल्स के लिए, मतलब फीमेल कैरेक्टर के लिए बहुत ही बढ़िया बंडल मिल गया। तो वैसे हमको स्केटर बॉय बंडल चाहिए, बट यहाँ पे गर्ल बंडल मिल गया। और भी गैज यहाँ पे स्पिन करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। और गैज ये तो आपको पता ही होगा दिवाली टॉपअप, जो कि अभी 27 तारीख यानी कि दिवाली के दिन तक ये टुक टुक स्किन रहेगा आपका। एंड गाइज यार मैजिक क्यूब भूलना मत यार, हम फिर से बोल देते हैं मैजिक क्यूब, यार जो बोला वो यार गरीना फिर फायर क्या खेलोगे समझ में नहीं आता, इसलिए मैजिक क्यूब लेना मत बोलना, क्योंकि यार फ्री मैजिक क्यूब मिलेगा 27 तारीख को। तो यहाँ पे हम मेरे पास अभी फ्रेंड जितना डायमंड बचा है हम सबको यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। तो देखते हैं यार कुछ तो मिल जाएगा यार, तो देखते हैं यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे जो आपको तीनों जो गोल गोल करके जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, अगर तीनों में आपका जैसे सेम कार्ड अगर निकल गया, मतलब सेम चीज़ आपका तीनों में निकल गया, तो वो आप फ्रेंड्स आपको परमानेंटली हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हम 90 का स्पिन करेंगे फिर से, तो यहाँ पे हम 90 का स्पिन यहाँ पे हम अभी करने वाले, तो देखते हैं गाइज हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम मेरे पास अभी 239 डायमंड बचा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड 239 डायमंड वनली टू वनली बचा हुआ है। और हम यहाँ पे जो 10 जो है टोटल 10 कर चुके हैं। और यहाँ से इसमें जो इसमें दिखा दिया, अगर आपको तीनों गोला जो करके था तीनों, अगर स्पेयर में तीन कार्ड एक बार में आ जाए, जैसे यहाँ पे ये हो गया लिपर्ट का जो गोल्डन स्किन, अगर या स्केयर बोर्ड, अगर तीनों का तीनों जो है एक ही तीनों गोला में आ जाए सेम, तो आपको जो है वो परमानेंटली मिल जाएगा। तो अगर नहीं आ पाया तो कुछ से कुछ आलतू फालतू चीज़ जैसे मिलेगा, जैसे हम आपको स्पिन करके अभी दिखाते देख लीजिए फ्रेंड्स हमको क्या क्या मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा। तो जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पे 90 डायमंड का ही स्पिन करेंगे, क्योंकि यार अब वो बंडल मिलने के बाद हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम 90 का यहाँ से फिर से स्पिन कर देते हैं यहाँ पे देखिए। तो गाइज ये देखो मेरा भाग खराब हो गया, सिर्फ एक ही बचा, सिर्फ एक अगर आ जाता स्केयर बोर्ड बॉय बंडल, तो गाइज हमको जो अभी वो बॉय वाला बंडल मिल जाता। तो यहाँ पे फालतू सब चीज़ मिला, जो 3D रेड चिली हॉट बंडल है गाइज, ये सब फालतू का है, जो कि वही जो रेड हॉट चिली बंडल है मेरे पास पहले से ही परमानेंटली रूप से है। और यहाँ पे 1000 गोल्ड पेट फूड ये सब, और मतलब ये जो आपको 3D हॉट चिली जो बंडल दिख रहा है ये कुछ ही दिन के लिए, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं मिलेगा। परमानेंटली बस आपको वही नाइट पेंटर का गोल्डन स्किन मिल सकता है, फिर आपको वही स्केटर गर्ल बंडल जो कि हमको परमानेंटली मिल चुका है, एंड स्केटर बॉय बंडल, यही आपको परमानेंटली मिलेगा। और आपको कुछ अगर डायमंड अगर मिल जाए, तो अगर तीनों में आ जाए तो 3000 डायमंड आपको जीतने का चांस है, फिर यहाँ तक कि बोलता 9999 डायमंड जीतने का चांस है। यहाँ पर स्पिन है, और गाइज अगर 1000 का टोटल आप स्पिन करोगे तो गाइज आपको यहाँ पर वो FFC जो इमोट है, जो कि बहुत ही कम आदमी के पास है वो इमोट आप सभी लोगों को फाइनली मिल जाएगा। तो अगर आपके पास 1000 डायमंड है तो आप स्पिन कर सकते हो। तो गैज मेरे पास तो नहीं है इसलिए हम स्पिन नहीं करेंगे, अगर आपके पास है तो आप स्पिन कर लेना, तो कोई बात नहीं। तो गैज यहाँ पे हम फिर से 90 कर दिए, एंड फाइनली देखो मेरा क्या होता है, टोटल डायमंड बैलेंस जो 59 डायमंड बचा हुआ है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, बहुत दिन से डायमंड रखा हुआ था तो सोचे आज ख़त्म ही कर देते वीडियो बना के, तो इसलिए फ्रेंड्स आज हम पूरा का पूरा डायमंड ख़त्म ही कर दिए। एंड गाइज यहाँ पे देखो यहाँ पे फालतू सब चीज़ मिला, तो कुछ नहीं तो फालतू का मेरा टोटल वेस्ट चल गया। तो गाइज यहाँ पे हम अब आएंगे अपने, मतलब तो यहाँ पे मेरा 30 जो है 30 हम ड्रॉस कर लिए, और 70 और मेरे पास डायमंड अगर रहता कम से कम, अगर 700 और डायमंड रहता कितना 300 कर लिए हैं, तो अगर 700 अगर और डायमंड रहता तो मेरे पास हमको ये अभी FFC इमोट
मिल जाता। तो गाइज अभी नहीं तो सोचेंगे बाद में, अगर कुछ होगा ऐसा वैसा, अगर ज़्यादा अगर शौक सड़ जाएगा तो ले ही लेंगे, तो देखेंगे आगे का क्या होता है। तो गाइज हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पे हम देखते हैं क्या क्या वोल्ट में मिला। तो गाइज उसके लिए हमको फीमेल कैरेक्टर में जानना होगा, क्या कि हमको मेल में तो कुछ मिला ही नहीं। तो देख लो जितना भी हमको चीज़ मिला, आलतू फालतू चीज़ जो भी चीज़ मिला है परमानेंटली, तो एक भाई इसके गर्ल वाला बंडल मिला नहीं, तो और जितना भी फालतू सब चीज़ मिला है वो सभी मेल कैरेक्टर वाला, सॉरी फीमेल कैरेक्टर वाला मिला है। तो मेल कैरेक्टर जो कि हम यूज़ करते हैं वो तो हमको कुछ दिया ही नहीं है यार, सब गिरे ना फिर फायर यार चालू यार बहुत। तो यहाँ पे हम केली नहीं, केले का यूज़ नहीं करते, केली को हटा के हम यहाँ से वैसे हम दिखाते हैं केली पे, हम शो करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि ये वाला देख लो, ये 2 दिन यानी कि 3 दिन के लिए मिला, 2 2 डे 23 आवर, ये 3 डे के लिए मिला हुआ है, ये परमानेंटली नहीं है। तो उसके बाद ये जो आप देख रहे हो इसके बगल में जो हेलमेट टाइप का, ये सभी, और फिर ये भी 2 दिन के लिए है, तो ये परमानेंटली नहीं है, 3 दिन के लिए है, तो और ये परमानेंटली है, तो ये इसका वर्ड वाला बंडल जो है। तो गाइज हम आपको यहाँ पे यही रिकमेंड करेंगे, आप एक बार जो है अगर आपके पास डायमंड होगा तो एक बार ओनली 90 का जो है स्पिन, और आप करेक्टर जो है मेरे ख्याल से, क्या कि हमको यार एनडीयू का करेक्टर हम यूज़ किए हमको बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप भी एनडीयू का एक बार यूज़ करना, और एनडीयू का यूज़ करके एक बार सिर्फ 90 का स्पिन करना, और 90 ज़्यादा स्पिन मत करना। अगर कुछ निकला निकला ठीक है, न तो ने छोड़ देना, न तो डायमंड सब और ख़त्म हो जाएगा यार, क्या होगा पता नहीं। अगर निकल जाए, अगर ज़्यादा हुआ तो शौक चढ़ात कर लेना। तो यार 90 का स्पिन हम रिकमेंड करेंगे, एक बार 90 का स्पिन करना, उससे ज़्यादा स्पिन मत करना। तो यहाँ पे ये वाला तो मेरे पास मौजूद, जो कि अभी मैजिक टू में इस बंडल को सेट कर दिया, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो कि ये मेरे पास पहले से पहला जो डायमंड रॉयल आया तो उसी में हमको ये मिल गया था, जब सबसे पहले हम गेम खेलना स्टार्ट किए थे तब एक टाइम हमको ये फ्री मिल गया था। तो गाइज हम यहाँ पे आगे का वीडियो में देखते हैं, आगे का इसमें जो हमको सेट करते हैं वही जो स्कर्ट बोर्ड का जो न्यू बंडल आया है उसी को सेट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये रहा, तो हम इसको पूरा का पूरा सेट करते हैं। वाह फ्रेंड्स देखो क्या लग रहा है यार, देखने में गजब लग रहा है, इसका पेड़ में देखो ये जो आग निकल रहा है, देखने में बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल लग रहा है फ्रेंड्स। हमको बहुत ही मतलब ये जो बंडल है गर्ल्स वाला, हमको अभी तक में ये बंडल हमको बहुत पसंद आया है यार, इसका जो स्टाइल और डिज़ाइन जो बनाया गया है गरीना फ्री फायर ने बहुत बढ़िया से बनाया, एंड डेवलपर्स भी बहुत यार बहुत काम ही आजकल कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे देख लो गजब का इसका जो लुक है, गजब का लुक हमको इसका मतलब पसंद है। गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ एंड इवेंट्स के बारे में अगर समझ आ गया तो कमेंट करना यार, और शेयर करना फ्रेंड्स, एंड लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड यू विल बी हैप्पी।